वाकयात बचने को है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। उत्तराखंड के कई हिस्सों में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। बारिश की वजह से नरेंद्र मोदी के दौरे में भी देरी हो रही है। नरेंद्र मोदी को तबाही से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करना है। इसके लिए उन्हें सुबह 7:30 बजे निकलना था, लेकिन बारिश की वजह से वो अब तक नहीं जा पाए हैं। प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने के लिए नरेंद्र मोदी को सुबह 7:30 बजे निकलना था। फिलहाल अभी देरी हो रही है क्योंकि देहरादून में इस वक्त हल्की बारिश देखी जा रही है। आपको बता दें कि बीती रात ही नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच गए थे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद देने की पेशकश की थी उत्तराखंड सरकार के सामने। आज उनका कई कार्यक्रम है। प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे मोदी। इसके अलावा मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीधे रुख करेंगे देहरादून का, जहां से मीरा रावत हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। मीरा, मौसम का मिजाज इस वक्त क्या बना हुआ है? जी चित्रा, अगर देहरादून की बात करें तो यहाँ पर मौसम एक बार फिर से खराब होने लगा है और बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। अगर देहरादून के ऊपरी इलाकों की बात करें, राजपुर रोड, सहजधारा रोड, तो वहाँ पर सुबह के टाइम पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और अभी भी यहाँ पर धूप नहीं आई है। तो लग रहा है कि एक बार फिर से मौसम यहाँ पर खराब होने जा रहा है, जिससे जो बचाव और राहत कार्य चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हो सकती है। चित्रा, बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से क्या कहा गया है? क्योंकि पहले जानकारी ये दी गई थी कि 24 तारीख के बाद से लेकर लगातार झमाझम बारिश होगी देहरादून और उसके आसपास यानी कि उत्तराखंड के इलाकों में, लेकिन अब तो आज ही से शुरुआत हो गई है। रिमझिम बरसात हालांकि हो रही है, लेकिन इसकी वजह से जाहिर तौर पर जो राहत और बचाव का काम चल रहा है मीरा, उसमें भी देरी होगी। जी बिल्कुल चित्रा, देखिए जिस तरीके से इस वक्त उत्तराखंड में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहां पर केवल एकमात्र माध्यम जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर हैं, जिनके जरिए आपदा प्रभावितों को मदद मिल पा रहे हैं। मीरा की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे। आपको बता दें कि प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने के लिए नरेंद्र मोदी बीती रात ही पहुंच गए हैं देहरादून। 7:30 बजे नरेंद्र मोदी को निकलना था, लेकिन चूंकि वहां पर रिमझिम बारिश हो रही है इस वजह से उनके हवाई सर्वे में देरी हो रही है, यानी कि अभी तक उन्होंने हेलीकॉप्टर से उड़ान नहीं भरी है। बारिश की वजह से ये देरी बताई जा रही है।